Welcome student. Today we start pair of linear equation two variable for class 10. ठीक है बेटा, हमें class 10 के लिए pair of linear equation two variable को read करेंगे. क्या करेंगे? Pair of linear equation two variable को understand करेंगे. तो समझते हैं बेटा इस chapter को. इस chapter के आज में हम कुछ topics यहाँ clear करेंगे. आप बहुत carefully से समझते जाइए, आपको सारी चीजें clear होते जाएंगे. और आप इससे अपने प्रैक्टिस सेशन में जितना ला सकते हैं उसे प्रैक्टिस सेशन में लाइए और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी. ओके, नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, तो पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं. ये आपका चैप्टर थ्री है, क्लास टेन का चैप्टर थ्री है. आपके इस मीनिंग को समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इसका मीनिंग क्या है. तो ध्यान रखना बेटा, पेयर का मतलब होता है आपके पास जोड़ा. पेयर का मतलब क्या होता है आपका? जोड़ा, मतलब आपके दो होंगे यहाँ पे. जब भी आपके पास होता है पेयर ऑफ शूज बोला जाता है, पेयर ऑफ आपके पास जो चप्पल के आपके जो पेयर होते हैं, जो आपके स्लीपर्स होते हैं उनके पेयर होते हैं. तो जहां पे आपके जोड़े में आपके दो चीजें यूज होती है उसे पेयर्स बोलते हैं. ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मीन्स क्या होता है बेटा? एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर आपके x, y, z, जिसकी भी पावर 1 हो उनको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन. क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे कहते हैं इसे लीनियर इक्वेशन. ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे टू वेरिएबल्स में. तो अभी हमने बात करा कि आपके जो आपके लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल की पावर क्या होगी बेटा? वेरिएबल की पावर आपकी 1 होगी. वेरिएबल की पावर क्या होगी आपकी? 1 होगी. टू वेरिएबल का मतलब आपके पास कोई भी दो वेरिएबल एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तो कोई भी आपके दो वेरिएबल हो सकते हैं. कोई भी आपके दो वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं. तो चैप्टर का मीनिंग यही है हमें कि हमें पेयर कोई भी इक्वेशन होगी आपके पास लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो आपके पास एक इक्वेशन ये होगी ए और बी वन सी वन लेट कर लेते हैं. दूसरी इक्वेशन ए टू एक्स बी टू वाई सी टू इक्वल टू जीरो. तो दीज आर टू इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस होगी. इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है यहाँ पे? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. ठीक है, तो चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हैं. तो देखिए यहाँ पे टू वेरिएबल बोले गए बेटा, टू वेरिएबल एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स. यहाँ एक्स वाई की बात हो रही है. आपके लीनियर होना चाहिए, दैट मीन्स की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. पावर क्या होनी चाहिए? 1. देखिए 1 है. अब पेयर की बात की गई है, पेयर का मतलब 2. तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे? दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, उनके बाद उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? तो देखिए हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीन्स है, सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन आपकी जो होती है नॉर्मल आप जब पढ़ते हैं तो ए एक्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन. वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं बेटा मैं, क्या कर रहा हूं? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्लियर? तो वन वेरिएबल का मीन्स लाइक मैंने ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है आपके पास, ये लीनियर इक्वेशन है बिकॉज इसकी पावर क्या आपकी? 1 है. और किसमें? आपके पास सिंगल वेरिएबल में. किसमें? आपके सिंगल वेरिएबल में. ओके, ए एक्स प्लस बी आपके पास. तो यहां से हम वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास बी उस साइड जाएगा, बी राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव का साइन हो जाता है. आप जानते हैं कोई भी अगर एक पार्ट अपने एक जगह बदलता है, कोई भी अब लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में आता है तो उसका साइन बदल जाता है. ओके, तो आपका माइनस का आ गया और एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी? माइनस ऑफ बी बाय ए. तो ये तो तरीका हो गया कि कोई भी आपके लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. क्या किया जाता है? किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ये तो सिंगल, ओके, सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका. लीनियर इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल के अंदर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन हो सकता है. अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, लीनियर पेयर की बात नहीं कर रहा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो दो वेरिएबल की बात कर रहा हूं बेटा मैं. तो दो वेरिएबल की बात को हम समझते हैं यहाँ पे. तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मीन्स हो गया आपके पास कोई भी इक्वेशन आप राइट किए, राइट करिए ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो देखिए बेटा यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की पावर आपकी क्या है? 1 है. वाई की पावर क्या है यहाँ पे आपकी? 1 है. इसको सॉल्व करने का, तो बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका आपने 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपका जहां आपका मन करता है ए एक्स इक्वल टू सी को आप राइट हैंड साइड लेके माइनस सी बी वाई आपके आ गया एक्स इक्वल टू माइनस सी माइनस बी वाई बाय ए, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई. ओके, बट यहाँ पर कोई आपकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई है, कोई भी आपकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई है बिकॉज आपके पास आप जानते हो कोई भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन हमेशा कैसा ग्राफ बनाती है?
लीनियर इक्वेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। क्या बनाती है बेटा? एक आपके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड करती है। इसके स्ट्रेट लाइन के बारे में आप 11th में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे मेरे पास कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, जो भी मैं वाई की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिक एक्स की वैल्यू आती जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर तो आपके पास देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का कितना सोल्यूशन मिला आपको, सिंगल और यूनिक सोल्यूशन, सिंगल और याद क्या कह सकते हैं यहाँ पे बेटा, यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का आपको यहाँ पे कोई भी यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जो आपका सोल्यूशन होगा यूनिक नहीं होगा। आपका सॉल्यूशन कैसा होगा यहाँ पे? सॉल्यूशन आपके होंगे इनफाइनाइट। कैसे सॉल्यूशन होंगे आपके बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए होंगे भाई, क्या आपके वाई की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाइए, एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक आपकी चेंज होती जाएगी। तो देयरफॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में जो भी लीनियर इक्वेशन होंगे उसके कितने सॉल्यूशन होंगे आपके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आती है अगली बात, तो हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। आगे देखते हैं हमारे पास अगला टॉपिक जो आता है, जो अगला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम इसको पढ़ेंगे, क्लियर है? अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कैसी लाइन बनाती है? स्ट्रेट लाइन। अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं टू वेरिएबल के अंदर, तो यहां तक तो जो मीनिंग है क्या बना रहा है बेटा? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। कैसी बना रहा है आपकी? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड हो रही है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड होगी। अब पेयर की बात आ जाती है तो पेयर का मतलब कैसे इतनी लाइन फॉर्म्ड हो रही है? टू लाइन फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है? तो जब भी दो लाइन फॉर्म्ड होती है हमारे पास, दो स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड होती है, तो आपने पॉसिबल सॉल्यूशन देखे होंगे आप लोगों ने। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि बेटा आपके पास ये दो मार्कर हैं, इन मार्कर को आप किस किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, दो मार्कर आपको दिए पड़े हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप दोनों मार्कर को क्या कर सकते हैं? इस तरीके से दोनों को हाथ में पकड़ के जैसे एग्जाम टाइम पे आप ले जाते हैं। दैट मीन्स आपको दोनों के दोनों एक दिखते हैं। अगर सामने वाला देखे तो उसको सामने वाला दिखेगा, ये वाला एक दिखेगा, ओके? अगर हम दूसरी बात करें तो आपके पास देखिए दो आपके पास है, दो चीजों को आप इस तरह से रख सकते हैं, साथ साथ में इस तरह रख सकते हैं, इनके बीच में कुछ गैप होगा, ओके? और एट द एंड लास्ट आप क्या कर सकते हैं? इसके गुलेल बना सकते हैं, जैसे आप बनाते हैं इस तरह से बांध के गुलेल बना सकते हैं। ये तीसरा दो स्ट्रेट लाइन को आप इस तरीके से रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और आपका तरीका नहीं है जो आप दो स्ट्रेट लाइन को, दो स्ट्रेट थिंग्स को आप ऐसे रख पाए। फर्स्ट आप इस तरह से रख पाएंगे, इसको क्या कहते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आप इस तरीके से रख पाएंगे दो, ठीक है, ये आप समझते होंगे पैरेलल है। थर्ड आप इस तरीके से रख पाएंगे, ये आपके होते हैं, ये आपके इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपके क्रॉस सेक्शन करते हैं, मतलब आपके यहाँ पे वन और आपके यहाँ पे जहां पे मल्टीप्लाई यहाँ पे सॉरी जहां पे कट करते हैं वहां पे आपको वैल्यू देते हैं, क्लियर है? तो देखिए हमने पढ़ा है, तो अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन को डील करेंगे दो पेयर के साथ, मतलब आपके टू स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपका पेयर है स्ट्रेट लाइन का, उसको सॉल्व करेंगे, ओके? तो देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व किस तरह किया जाता है, ठीक है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का क्या तरीका है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के आपके दो मेथड है, ठीक है? तो सबसे पहला मेथड आपके पास आता है ग्राफिकल मेथड। कैसा मेथड आता है आपका? ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड आपका ग्राफिकल मेथड, ओके? और सेकंड मेथड आपके पास है बेटा यहाँ पे एलजेब्रिक मेथड। कौन सा? आपके एलजेब्रिक मेथड, ओके? तो आप देखिए ग्राफिकल मेथड नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो भी काम होगा किसमें करेंगे हम लोग? ग्राफ में करेंगे। किसमें करेंगे? यहाँ पे ग्राफ में सारा का सारा काम होगा। ग्राफ से मुझे जो भी चीजें मिलेंगी, जो भी आंसर्स मिलेंगे, जो भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, हम उनको वहां डिस्कस करेंगे, क्लियर? आगे हमारे पास है एलजेब्रिक मेथड। तो एलजेब्रिक मेथड में आपके पास यहाँ पे भी तीन मेथड्स आते हैं। एलजेब्रा दैट मीन्स हम यहाँ प्लस माइनस से डील करते हैं। एलजेब्रा क्या बताता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसकी डीलिंग को हमें बताता है, क्लियर? तो देखिए सबसे पहला जो मेथड होगा हमारा जो होता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दूसरा मेथड यहाँ पे आता है हमारा कौन सा आता है? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा आता है बेटा आपका? एलिमिनेशन मेथड, ये आपका दूसरा मेथड है, क्लियर? और थर्ड हमारे पास आता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कौन सा आता है आपका? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आपके तीन मेथड हमारे पास है, क्लियर है? तो पहला मेथड कौन सा है बेटा? पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड कौन सा हमारा? एलिमिनेशन मेथड।
थर्ड मेथड कौन सा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। समझ आई आपको बात। अब देखिए हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे इसको हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम इरेज करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्राफ किस तरह से पूरा का पूरा सॉल्व होने के बाद इसमें बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट देखिए, ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट। ठीक है, तो ग्राफिकल के अंदर आपके पास जो ग्राफिकल है, देखिए बेटा आपको ग्राफिकल है, ग्राफिकल के अंदर आपके पहली बात को मैं डिस्कस करता हूं, पहले पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं। क्लियर? पहला है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। क्लियर है? क्या बोला गया? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आपके पास दो लाइंस की बात कर रहा है तो दो लाइंस की इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया ए वन एक्स बी वन वाई सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन लाइन की ये है आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सेकंड हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये है। तो फर्स्ट ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो देखिए हम यहाँ पे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, इसको समझते हैं इंटरसेक्शन का, आप करते हैं दोनों के दोनों लाइन लेट कर लेते हैं आपके पास, कोई भी आपकी इक्वेशन को लेट कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन लेट कर रहे हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन वन मान लेते हैं। क्लियर है? एक इक्वेशन और ले लेते हैं हम लोग, एक इक्वेशन को मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस टेन ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली। तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन को लेट कर लिया ताकि हमारा सम आसान बन जाए। ठीक है, ताकि हम सम को अंडरस्टैंड कर पाए। तो देखिए आपके पास जब आपकी ग्राफिकल की बात हो गई तो आपको पता चल रहा होगा कि सारा का सारा सम किस में होने वाला है हमारा, ये ग्राफ में होने वाला है। सारा सम किस में होने वाला है? ये ग्राफ में हमारा सम होगा। तो देखिए पहले हम इस लाइन को, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि 2x प्लस 3y प्लस 6, अगर मैं इसकी इंडिविजुअलिटी की बात करूं, सिंगल चीज की बात करूं, तो सिंगल लाइन है। कैसी लाइन है? ये सिंगल लाइन है, इसकी पावर 1 है। ओके, तो आप जानते हो कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको ग्राफ में किस तरह से सॉल्व करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। तो देखिए तो हम पहला यहां पे देखते हैं कि आपके पास जो पहली लाइन है, इक्वेशन फर्स्ट देखिए आपका 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू जीरो, तो आप इसको ग्राफ में किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में किस तरीके से ड्रॉ करेंगे इसको समझते हैं। तो इधर देखिए, अगर आप समझे किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, आपको पहले ये बातें पता होनी चाहिए बेटा, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होते हैं, हमें दो पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं। क्या होते हैं? हमें दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर दो पॉइंट हमें मिल जाते हैं, अगर हमें वो दो पॉइंट मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, अब फर्स्ट थिंग, अगर आपका एक पॉइंट गिवन है तो वहां से कितनी लाइन जा सकती है, जहां पे आपका एक पॉइंट गिवन है वहां से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। कितने जा सकती है बेटा? मैनी लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस वहां से पास हो सकती है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो ये देखिए यहां से कितनी लाइन जा रही है, हमारी इनफाइनाइट लाइन जा रही है। ठीक है, अब यहां देखिए दो पॉइंट को देखते हैं तो हमारे पास कितने लाइन जा रहे हैं, यहां से ओनली वन लाइन जा सकती है, यहां से देयर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, और देयर इज इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट और द यूनिक पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो देखिए हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम दो पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे हम? मिनिमम दो पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास देखिए दो पॉइंट किस तरह से निकालते हैं, टू एक्स आपके पास देखिए इक्वल टू थ्री वाई माइनस सिक्स, आपका देखिए राइट हैंड साइड में गया तो नेगेटिव आ गया। क्या हो गया आपका बेटा? राइट हैंड साइड में गया तो नेगेटिव आ गया। और इससे बेस्ट तरीका अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, उसके बाद बेस्ट तरीका आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पुट आपके पास अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास बेसिकली क्या बन गया, माइनस सिक्स माइनस थ्री वाई। क्लियर, तो एक्स क्या बन जाएगा आपका, माइनस सिक्स माइनस थ्री वाई बाय टू, ये आपका क्या बन गया बेटा, आपका ये एक्स आ चुका है। क्या आ चुका है? एक्स। अब देखिए पुट वाई, अगर आप वाई को जीरो पुट करते हैं, अगर आप वाई को जीरो पुट करते हैं तो वाई जीरो होने के बाद एक्स की क्या वैल्यू देगा, माइनस सिक्स माइनस जीरो बाय टू, दैट मीन्स टू कट होगा तो माइनस थ्री आ जाएगा। क्लियर, अगर हम पुट करते हैं वाई को वन पुट करते हैं, वाई को वन पुट करते हैं तो बेटा देखिए एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस थ्री इंटू वन बाय टू,
तो -9/2 = -4.5 ये आपके पास आ गया। समझ आ गई आपको बात, क्लियर है? ठीक है, जीरो आ चुका है, वन पे वैल्यू आ चुकी है, हम टू पे निकालते हैं। अगर टू पे निकालना है, अगर आप माइनस वन पे निकालना चाहते हो तो माइनस वन से भी निकाल सकते हो, वैसे टू पे निकाल लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि पॉजिटिव में चलेगा। y इक्वल टू टू लोगे तो x इक्वल टू -6 - 3 × 2/2। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, -6, आपके पास देखिए -6 - 6/2, तो -12/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बेटा, -6 क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए, क्या आ गए हमारे पास से, पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या आ गया बेटा, जब आपका x -3 है तो y 0 आ गया। ठीक, कई बच्चे कहते हैं सर हम क्या यहाँ पे x को इधर ले जा सकते हैं, y को निकाल सकते हैं, मोस्ट वेलकम, जैसा आपका मन करे आप उस तरीके से कर सकते हो। बच्चे इधर कंफ्यूज होते हैं बिकॉज कहते हैं कि आपका x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये आपके पास डिपेंड करता है फंक्शन किस तरह का है। यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन को आपने ड्रॉ करना है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। -3, 0 फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट है -4.5 and 1 और थर्ड पॉइंट है -6 and 2। ये आपके तीन पॉइंट्स आ गए। कितने पॉइंट्स आ गए आपके, ये हमारे तीन पॉइंट्स आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे हम यहाँ पे जो मैंने आपको कहा कि जो डायरेक्ट आपका मेथड होता है, दो पॉइंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं, दो पॉइंट को कैसे निकालते हैं। तो दो पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे 2x + 3y + 6 = 0। हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू को जीरो कर देते हैं पहले। x की वैल्यू को जब हम जीरो करेंगे तो हमारे पास देखिए कैसी इक्वेशन बन जाएगी, बन जाएगी 0 + 3y + 6 = 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। -6y = -6/3, तो आपका कट हो गया क्या आगे बेटा, -2, आपका y की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं इसी में पुट करता हूं, अगर y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y 0 करता हूं तो 2x + 6 आ जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा और 2x = -6, x की वैल्यू -6/2 क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। समझ आई आपको बातें? ठीक है, तो देखिए 0, जब x आपका 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -2 आएगी, y आपका जब 0 होगा तो आपके x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। तो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे हमारे सम को आसान बनाने के लिए। तो देखिए अगर मैं देखूं इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन को निकाल चुका हूँ इसके पॉइंट्स को, तो मैं इक्वेशन के साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स आ गए बेटा, देखिए हमारे पॉइंट्स जो आ चुके हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के लिए, आपका पहला पॉइंट है 0 - 2 और सेकेंड पॉइंट है -3, 0। देयर आर टू पॉइंट्स हमारे पास क्या आ चुके हैं यहाँ पे, दो पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हम दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकालते हैं, इसी तरीके से हम पॉइंट्स निकालेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। पॉइंट्स किस तरह से निकालने, इस तरीके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3x + 2y + 12। देखिए बेटा यहाँ पे अगर मैं देखू यहाँ पे कि देखिए सेकंड इक्वेशन है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे टू वेरिएबल के फॉर्म में, इसमें टू वेरिएबल के फॉर्म में, इसको वन वेरिएबल के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखिए क्या बन जाएगा, 2y + 12 = 0। अगर आप समझ गए होंगे तो किसमें आ गई हमारी, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के फॉर्म में आ गई है। तो 2y = -12, y की वैल्यू क्या हो गई बेटा, -12/2 = -6, क्या आ गया आपका, -6। अब देखिए अगर आप पुट करते हैं, x 0 हो गया, x 1 पुट करते हैं, सॉरी x कह रहे हैं आपके, y को 0 पुट करिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर हम 0 के करते हैं तो हमारा सम कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाती है, हम सोच भी नहीं पाते कि हमारे सम को कितने इजीली हम कर पा रहे हैं। तो ये बहुत आसान तरीके होते हैं। बात देखो मैथ को आप जितना अंडरस्टैंडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। देखिए मैथ का हवा बनाना बहुत बड़ा आसान कि भाई मैथ इतनी टिपिकल होती है, अगर आप उसे बहुत केयरफुली समझेंगे तो आपको बहुत चीजें आसान लगेंगी इसके अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे मुश्किल जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज है, वो है सांस लेना। ठीक है, अगर आपकी सांस चल रही है, जान है तो जहान है, अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए बेटा y = 0 है, तो देखिए हम y को 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 3x + 12 = 0। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, -12/3, 3 × 4 = -12, आपका -4 आ गया। क्लियर है, तो हमारे जो पॉइंट बने यहाँ के लिए ये बना, x जब 0 था हमारा बेटा, x 0 था तो ये -6 आ गया। जब y 0 था, देखिए जब y हमारा 0 था तो ये क्या आ गया हमारे, ये x की वैल्यू -4 आ गई। क्लियर है, तो यहां तक मुझे लग रहा होगा आप लोगों को पॉइंट्स निकालने आ गए होंगे। देखिए बेसिक बेसिक स्टेप को हम करते जाएंगे, चीजें हमारी ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी।
यहां हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले सीखा कि आपके पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करना कितना आसान है। फिर हम देखा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं जो हमारे पास निकालने में दिक्कत हो सकती है हमें। हमने थर्ड स्टेप में क्या करा, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कर रहे थे हमने माइंडसेट को इस्तेमाल किया। हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले बेटा क्या किया यहाँ पे, हमने टू वेरिएबल को हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। टू वेरिएबल को हमने वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। टू वेरिएबल में आ रहे थे आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने आ रहे थे इनफाइनाइट, कौन सा इस्तेमाल करें नहीं पता। लेकिन जब वन वेरिएबल में चेक किया तो वन वेरिएबल में कितना सॉल्यूशन आ रहा था आपका, ओनली वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन जो कि हमें बड़ी आसानी से मिल जा रहा था। क्या होता, हमें बहुत आसानी से सॉल्यूशन हमें मिल जा रहा था। तो हमने यही किया, हमने देखिए इस वाले में क्या किया, हमने यहाँ पे एक्स को जीरो कर दिया। एक्स जब जीरो हो गया तो वेरिएबल ही खत्म कर दिया हमने, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमारा आ गया और वाई की वैल्यू आपकी -6 आ गई। देखिए वाई हमने जीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हमारी एक्स की वैल्यू -4 आ गई। तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे कौन से वेरिएबल में आ गया आपका, टू वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके हमने दोनों के आंसर निकाल लिए। और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर्ड मिनिमम 2 पॉइंट, हमें ज्यादा मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। अगर 2 पॉइंट हमारे पास हैं तो हम बहुत आसानी से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आई बात, आई थिंक आप लोगों को सारा का सारा अंडरस्टैंड हो रहा, समझ आ रहा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2x प्लस 3y आपके पास, हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड था, हमारे पास कौन सा मेथड था बेटा, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड है। तो इस ग्राफिकल मेथड में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ग्राफ पेपर को आप लेंगे तो आप देखेंगे ग्राफ पेपर में, ये हमारा ग्राफ पेपर है, लेट कर लेते हैं ग्राफ पेपर, जिसका ग्राफ पेपर ये आपका पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, या आपका नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस होता है, या आपका पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, या आपका नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस होता है। ओके समझ आ गई आपको बात है। तो इधर देखिए अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के गैप को लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। देखिए वाई में -6 तक जा रहा है तो -6 तक। अब थोड़ा सा हमें ग्राफ को देख लीजिए, हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे ग्राफ को, -1, -2, -3, -4, -5, -6। आप देख रहे हो गैपिंग में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। आपका 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो सारा सा हमारा नेगेटिव नेगेटिव में ही चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए जब x जीरो है, जब x जीरो है तो बेटा x जीरो कहां पर होता है, x जीरो y पे होता है। x जीरो कहां पर होता है आपका, y पे x जीरो होता है, आपको पता होना चाहिए। और आपका दूसरा पॉइंट क्या है, y पे -2, अब y पे आपका -2 है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट आ गया, पॉइंट जो हमारे पास आ गया, ये हो गया आपके पास 0 -2, क्या हो गया आपका 0 -2, आपका ये पॉइंट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपके पास कह रहा है कि x आपका, देखिए x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू आपकी -3 है, क्लियर है। और y की वैल्यू 0 है, तो y 0, x की वैल्यू -3 है, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट हमारे पास आ गया -3 एंड 0। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को आप यूज करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपकी लाइन चली जाएगी, ठीक है, ये आपकी लाइन चलेगी यहाँ से। और ये जो लाइन है हमारे पास, उस लाइन की इक्वेशन को हम लिखेंगे 2x 3y + 6 = 0, 2x + 3y + 6 =, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन लाइन इक्वेशन लाइन ऑफ इक्वेशन आ गया आपके पास। देखिए हमने जो हमारे पास एक इक्वेशन के फॉर्म में था उसे हमने ग्राफ में ड्रॉ कर लिया लाइन को, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपके 3x + 2y + 12 = 0 है, तो इसके लिए पॉइंट, अगर x जीरो है, x जीरो कहां पर होता है, y पे, आपका -6, तो आप देखिए पॉइंट पर लिखेंगे, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा बेटा 0 - 6, x जीरो है, y -6 हो गया। अगला है x -4 है, y 0 है, देखिए बेटा x -4 है हमारे पास, ठीक है, इस पॉइंट को देखते हैं, x -4 है, y हमारे पास यहाँ पर 0 है, x -4 है, y 0 है। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच करते हुए चलते हैं, तो जब इन दोनों पॉइंट्स को मैच करेंगे, देखिए इस तरह से हम मैच कर रहे हैं इन दोनों को, मैच दैट मीन्स ज्वाइन करते हुए चल रहे हैं, तो आपके कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने इसे पढ़ाया, कट किया, ठीक है। तो आपके पास ये पॉइंट आया 3, ये 3x, इक्वेशन ऑफ लाइन आई 3x + 12y = 0।
3x plus 2y plus 12 equal to 0. अब देखिए हमारे पास एग्जैक्ट ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के बिहाफ पे हम आंसर निकाल सकते हैं कि हमारे पास इन दो इक्वेशंस का हमारे पास सॉल्यूशन क्या आने वाला है, तो देखिए वो बाद में एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको बाद में बताऊंगा कैसे निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन में देखते हैं, जहां कट कर ले उसे मान लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको ये मैच करते हैं, यहाँ पे इसको मैच करते हैं, अप्रोक्सीमेशन में चेक कर रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं कि सॉल्यूशंस जो हमारे पास है लेट कर लेते हैं, बेटा मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं आपको, लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई हमारा, एक्स क्या आ गया हमारे पास, वाई आ गया 3 आपका, और एक्स क्या आ गया, एक्स आपके पास -7 के अप्रोक्स आ गया, अप्रोक्सीमेट, बिकॉज अगर आपका ग्राफ पेपर होता था आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती 7.2, 7.0, 6.7, 6.8, 6.9, यहाँ पे आपको 2.9 या 3.1 जो भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको वहां पर मिलती। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस हमने लाइन ड्रॉ की, जब हमने दो इक्वेशन से लाइन ड्रॉ की, देखिए पहली लाइन हमने ड्रॉ की, दूसरी लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ किस तरीके से की आपको ये समझ आ गया कि हमने ड्रॉ किस तरीके से किया है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। जब हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, तो ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने देखना है कि हमारी लाइन्स कैसे जा रही है, दोनों की दोनों लाइन यहाँ पे कैसी है, पहली बात दोनों की दोनों लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग है, कैसी है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इंटरसेक्ट को पढ़ रहे थे। तो बेटा ध्यान रखना जब भी आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है, इसके बाद हमें कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन कितना मिल रहा है यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। और ये लाइंस कैसी हैं, लाइंस कंसिस्टेंट है बेटा, कैसी लाइंस है ये कंसिस्टेंट लाइन है, समझ आई बात है। तो पहला देखिए हमारी इंटरसेक्टिंग है, दूसरा हमारी यूनिक है, तीसरा हमारा कंसिस्टेंट है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हमें ये पता करने के लिए, इन सारी चीजों को पता करने के लिए क्या इतना सारा करना पड़ेगा, इन तीनों को फाइंड आउट करने के लिए इतनी सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसका जवाब है नहीं। आप इसको कैसे पहचानेंगे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड समझना किस तरीके से है, देखिए समझना किस तरीके से है, a1x b1, देखिए हम दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद मुझे मिला a1 की वैल्यू 2 मिली, अगर मैं देखूं b1 मैप ऑफ y से y ऑन कंपैरिजन by क्या मिला 3 मिला, और c1 की वैल्यू क्या मिली आपको 6 मिली। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ऑल कॉन्स्टेंट पार्ट कम्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, सारी के सारी यहाँ जीरो रहना चाहिए, सारी वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ही रहनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन कहता है हमेशा, ठीक है। a2 देखिए यहाँ पे a2 हमारे पास क्या आ गया बेटा 3 आ गया, b2 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया, c2 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 12 आ गया, समझ आई बात है आपको, ठीक है। हमने क्या करा, इस इक्वेशन को यहां से आपका कंपेयर किया, इस इक्वेशन को यहां से कंपेयर किया, और दोनों के कोफिशियंट को फाइंड आउट कर लिया, क्या किया कोफिशियंट को फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा देखिए यहां पे अगर आपका -3 लिखा होता तो b1 का कोफिशियंट -3 आना था, अगर -12 लिखा होता c2 का कोफिशियंट -12 आना था, समझ आइए आपको बात है। अब देखिए नाउ वी वांट टू फाइंड a1 by a2, अगर a1 by a2 को निकालता हूं तो मेरा 2/3 मिलेगा, क्या मिलेगा 2/3। अब मैं यहाँ पे b1 by b2 को निकालता हूँ, b1 by b2 को निकालता हूँ 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने एक चीज को ध्यान रखना है कि इफ अगर आपके पास a1 by a2 बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है b1 by b2 के, ठीक है, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कैसी लाइन होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। सेकंड हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक मींस वन सॉल्यूशन होगा ओनली। उसके बाद थर्ड क्या होगा, वो आपकी लाइन्स कैसी होंगी, आपकी लाइन्स हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगी, कैसा कंसिस्टेंट लाइन्स रहेंगी, ओके। तो आई होप आपको ये पहला पार्ट समझ आया होगा कि हमने व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें कैसे पता करना है, क्या चीजें देखनी है। पहला तो आप ग्राफ के थ्रू पता कर सकते हो, ग्राफ सॉल्व करने के बाद आप इसका इंटरसेक्टिंग यूनिक और कंसिस्टेंट निकाल सकते हो, अगर आपके ग्राफ में ऐसा होता है। कभी कभार ये होता है हम ग्राफ को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते, ग्राफ को प्रॉपर नहीं बना पाते, तो इस चीज की दिक्कत होती है। उस केस में हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन पता करने के लिए आपके सिर्फ इक्वेशंस दी हैं, आपसे पूछा गया फाइंड आउट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, क्या इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोफिशियंट को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे बेटा कोफिशियंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे भी हमने क्या किया, कोफिशियंट कंपेयर किया, दोनों के कोफिशियंट को कंपेरिजन के बाद आपके दोनों के रेशियो निकालेंगे, a1 by a2 का रेशियो, b1 by b2 का रेशियो निकाला। तो जब हमने इनके रेशियो निकाले तो देखिए a1 by a2 हमारे पास 2/3 आया, b1 by b2 3/2 आया, और दोनों हमारे इक्वल नहीं है। तो जब दोनों हमारे इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास कैसा होगा, हमारे पास
यूनिक सॉल्यूशन आएगा और इंटरसेक्टिंग आएगा, थर्ड वन इज थर्ड लास्ट इज द कंसिस्टेंट आएगा। ओके इसे समझिए, उसके बाद हम दूसरा डिस्कस करते हैं। ओके अब देखिए हमारे पास है इंटरसेक्टिंग हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसी के बिहाव पे, ठीक है। देखिए यहां पे हमारे पास हम एक इक्वेशन देख रहे हैं 2x + 3y - 6 = 0 और दूसरी इक्वेशन देख रहे हैं हम यहाँ पे 4x + 6y - आपके पास ले लेता हूं 18 = 0। ओके तो हमने ले लिया आपके पास। तो देखिए हम हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। अब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर क्या हो जाएगा, अब आपके पैरेलल यहाँ पे हम ले रहे हैं पैरेलल लाइन को। टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है तो क्या होगा, समझ आई बात। दो लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, तो हम देखिए पैरेलल को पहले समझने के लिए पहले से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ को हम ड्रॉ करना देखिए, हम देखिए टू दोनों को साथ में लिख रहा हूं बेटा 2x + 3y, इस पार्ट को हटा लेते हैं क्योंकि पॉइंट्स हमारे यहाँ वैलिड नहीं है, वो दूसरे क्वेश्चंस के लिए हैं। 2x + 3y = आपका 6 हो गया। वही तरीका हम फॉलो करेंगे कि जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3y 6, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। जब हम y को 0 पुट करेंगे, जब हम y को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x = 6 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो देखिए बेटा जब x 0 है तो y 2 मिल रहा है मुझे, दूसरा हमारे पास आपका x 3 है तो y 0 मिल रहा है, अब देखिए पीछे हमें टाइम लगा था समझने में, लेकिन हम समझने के बाद कितने इजीली इसको कर पा रहे हैं। सेकंड देखिए 4x + 6y - 18, तो देखिए 4x + 6y = 18, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x को 0, जब x को 0 पुट करेंगे बेटा तो देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे लिए 3 आ जाएगी, जब हम y को 0 पुट करेंगे, देखिए हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 18/4, तो 18/4 = 16, 4×5 = 20, तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया देखिए 4.5। तो देखिए पहला पॉइंट हमारे पास बना x 0 है तो y 3 आया, दूसरा पॉइंट y 0 है तो x 4.5 है, तो y हमारा 0 आ चुका है, क्लियर है। तो देखिए अब इन पॉइंट्स को, हम ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं, किसमें करेंगे हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी लाइंस पैरेलल आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे वीडियो को अंत तक बेटा जरूर देखना ताकि आपको लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे हम चीजों को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सके और विदाउट सॉल्यूशन विदाउट कैलकुलेशन हमें इतना सारा सोचना ना पड़े जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अगर हम देखते हैं पहले यहाँ पे इसको ग्राफ को बनाते हैं, तो इसको ग्राफ को बनाने के लिए ग्राफ बनाते हैं पहले। तो देखिए आपके पॉजिटिव ऑफ एक्स नेगेटिव ऑफ एक्स, पॉजिटिव ऑफ वाई नेगेटिव ऑफ वाई, तो देखिए आपके पास